हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। तो आइए डियर, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के जो जो पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। उसमें पहला पॉइंट्स होगा हमारा रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेड बाय कनकेव लेंस। थर्ड जो होगा हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इनफाइनाइट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर। फिर हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वर्जन फॉर स्फेरिकल लेंस, लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे डियर जिसका नाम है पावर ऑफ अ लेंस। तो आइए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग डालते हैं जिसका नाम है रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। तो पहले देखें हम लोग कैसे हम लोग इमेज बनता है। पहला जो पॉइंट्स है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेट ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है डियर, अ रे ऑफ लाइट अपेयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप फिगर देख के समझ सकते हैं डियर कि यहाँ पे लाइटें पड़ने के बाद कैसे आपका यहाँ से इमर्ज हो गई है। थर्ड जो पॉइंट है डियर हमारा, वो है आपका अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डिविशन। तो आप देख सकते हैं बिना मुड़े ही लाइट क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पास कर जाती है। अब हम लोग अगला हेडिंग देखेंगे डियर, कैसे इमेज को हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है। तो रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेट बाई कनकेव लेंस। अब हम लोग देखेंगे कैसे कैसे आपका रे डायग्राम कैसे बनता है। तो पहला जो पॉइंट्स हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इनफाइनाइट, जब वस्तु इनफाइनाइट पे रखी होती है तो इमेज की जो पोजीशन होती है, एट F1 होगा नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, और साइज पॉइंट साइज होती है। सेकेंड जो पॉइंट है डियर, वो आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर, जब वस्तु आपकी इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर पे होती है तो इमेज की जो पोजीशन होती है वो बिटवीन F एंड O होता है। नेचर ऑफ इमेज जो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, और साइज जो होता है आपका डिसमिस्ड होता है। थर्ड हम लोग देखेंगे डियर, व्हेन इमेज ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, जब वस्तु 2F1 पे रखी हो तो नेचर ऑफ इमेज जो होगा एट 2F2 होगा, इमेज की पोजीशन 2F2 होगा, नेचर ऑफ इमेज जो होगा आपका वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और साइज जो होगा आपका वो सेम साइज होती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग डियर, फोर्थ नंबर जिसका नाम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड F2, जब वस्तु F1 एंड F2 के बीच में रखी हो तो इमेज का जो पोजीशन होता है बियॉन्ड 2F2 पे होती है, नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, और साइज जो होगा डियर इन लार्ज होती है। अब हम लोग अगला देखेंगे डियर, फाइव नंबर पॉइंट जिसका जो है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, जब वस्तु F1 पे रखी हो तो नेचर पोजीशन की जो होती है इनफाइनाइट होगा, नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, और साइज जो होता है डियर वो होता है आपका हाईली इन लार्ज होता है। अगला हम लोग देखेंगे पॉइंट्स डियर जिसका है आपका सिक्स नंबर पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, जब वस्तु ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में रखी हो तो इमेज की जो पोजीशन होती है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ एज ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ इमेज जो होगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, साइज जो होगा आपका वो इन लार्ज होती है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं डियर, साइन कन्वर्जन फॉर स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस के द्वारा कैसे साइन कन्वर्जन होती है, क्या क्या रेंज होते हैं। साइन कन्वर्जन आर सिमिलर टू द वन यूज फॉर स्फेरिकल मिरर, एक्सेप्ट दैट मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज निगेटिव। तो कन्वेक्स में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कनकेव में क्या होगा, निगेटिव होगा। लेंस का जो फार्मूला होता है डियर वो होता है 1/V - 1/U = 1/F, मैग्नीफिकेशन m = H1/H0 = V/U। अगला देखेंगे हम लोग डियर इसका नाम है पावर ऑफ अ लेंस, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन अ मीटर, द डिग्री ऑफ कन्वर्जन ऑफ डाइवर्जेंस
ऑफ लाइट रे इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पावर, पावर पी इक्वल टू वन अपान वी माइनस वन अपान यू इक्वल टू वन अपान एफ, एसआई यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू डायोप्टर, तो पावर का जो एसआई यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है, इसे डी से डिनोट करते हैं। वन डायोप्टर इक्वल टू वन मीटर इनवर्स, वन डायोप्टर इज पावर ऑफ द लेंस हूज फोकल लेंथ इज वन मीटर, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव, पावर ऑफ कनकेव लेंस इज निगेटिव, पावर इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द थिकनेस, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू कम्बिनेशन पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री। तो डियर उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर अच्छे समझ में आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।